बीट रूट चपाती के लिए हमें बीट रूट को पील करना है, देन उसके बाद चॉप करना है, उसको बस बॉइलिंग वाटर में बॉइल करने के लिए रख देना है। बॉइल होने के बाद फिर हम इसे ग्राइंड करेंगे इन अ फाइन पेस्ट। सो ये हमारा भी बीट रूट उबल रहा है। सो अभी बीट रूट बॉइल नहीं हुआ है, हमें पूरा बॉइल नहीं करना है, बस जस्ट इसे सॉफ्ट करना है। जैसे ये सॉफ्ट हो जाएगा इजिली ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद हम इसे ग्राइंडर में ठंडा होके पेस्ट बनाना है, देन फाइन पेस्ट को हम आटे में गूंथ लेंगे। सो अभी इसमें लगेंगे कम से कम 10 to 5 minutes, डिपेंड ऑन क्वांटिटी। अब हमारा बीटरूट उबल चुका है काफी हद तक, तो हम इसे ठंडा करने के लिए अब छोड़ सकते हैं। डाल रहे हैं ब्लेंड करने के लिए टू मेक स्मूथ प्यूरी ऑफ इट। इसकी बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है ताकि हम आटे में आराम से घुस सके इसे अच्छी तरीके से, और ये हेल्थी भी है। ये हमने डाल दिया ब्लेंडर में, अब हम इसे मलें। ये अब हम आटा रेडी कर रहे हैं, इसमें मैंने बस एक हाफ स्पून सॉल्ट डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम इसमें अपना प्यूरी डालेंगे। देख के डालिएगा कहीं आटा गीला ना हो जाए, धीरे धीरे। अब हम इसे कितना कलरफुल और वाइब्रेंट कलर आ रहा है बीटरूट का, कुछ फ्रेश बीटरूट यूज करिए इसके लिए। कलरफुल कलर आया बीट रूट का, बिल्कुल पिंकिश सा। और हमारा आटा तैयार हो ही गया है चपाती के लिए, बट हम इसे थोड़ा मस्का रहे हैं ताकि मेरी रोटी अच्छी बने। देखिए अब हम अपने आटे को थोड़ी देर रेस्ट करने के लगेंगे, अप्रॉक्स हाफ एन आवर, सो दैट ये अच्छे से फूल जाए, भीग जाए।